हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और टाइम एंड वर्क के इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिए ताकि आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है पुरुष और महिला वाले सवाल। ठीक है, पुरुष और महिला वाले सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आज हम देखेंगे इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं थोड़ा इनका बेसिक बता दूं कि पुरुष और महिला वाले जो सवाल होते हैं उसमें बेसिकली दो टाइप के सवाल आते हैं। एक आता है या वाला सवाल, ठीक है, जिसको हम और वाला केस कहते हैं, और एक क्वेश्चन आता है और वाला सवाल जिसको हम एंड कहते हैं। क्लियर? ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि 3 पुरुष या 4 महिला किसी काम को 43 दिन में करते हैं। कभी आपसे सवाल बोलेगा 3 पुरुष और 4 महिला किसी काम को 43 दिन में करते हैं। क्लियर? तो इन दोनों का मतलब ये होता है, अगर या वाला केस है तो इसका मतलब यह है कि आप या तो पुरुषों से काम करा लीजिए या तो महिलाओं से काम करा लीजिए, इसका मतलब ये होता है। और वाले केस में ये होता है कि चाहे आप पुरुष और महिला, आपसे दोनों से काम कराना पड़ेगा। क्लियर ना? तो आप ये थोड़ी समझ के रखिएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। और वाले केस में हम बराबर साइन का इस्तेमाल करते हैं जबकि एंड वाले केस में हम प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम समझाऊँगा कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बताऊँगा। पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि बेसिक से इसको कैसे करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्मार्ट मेथड बताऊंगा कि आप इसको सिंगल लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल बोल रहा है कि यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में पूरा करते हैं तो बताइए 7 पुरुष और 5 महिला मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको बेसिक समझा रहा हूँ आपको, बेसिक से कैसे सॉल्व होगा। बोल रहा है कि 3 पुरुष या 4 महिला। क्लियर? इसका मतलब कि चाहे आप 3 पुरुष से काम करा लीजिए या फिर आप 4 महिला से काम करा लीजिए, क्लियर, दोनों ही जगह से आपको कितने दिन में काम मिल जाएगा, 43 दिन में। मतलब 3 पुरुषों का काम बराबर है 4 महिलाओं के काम के। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पुरुष बराबर 4 महिला हो गया, तो आप यहाँ से m का मान निकाल लीजिए, तो m का मान आ जाएगा 4/3 W। क्लियर? मतलब एक पुरुष जो है वो 4/3 W के बराबर है। ठीक है, अब आपने सवाल को W में शिफ्ट कर लिया है तो आपको सवाल को W से सॉल्व करना पड़ेगा। m से भी कर सकते हैं पर W से करना थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। बोल रहा है कि 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में करती हैं, तो 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में करती हैं। क्लियर? उसके बाद लास्ट वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि 7 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। 7 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैं सपोज कर लेता हूँ कि x दिन में करेंगे। यहाँ तक ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4/43। ठीक है, W का आप हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है 7m। क्लियर? तो 7 तो 7 ही रहेगा। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 4/3 W। क्लियर? तो m की जगह आप रख देंगे 4/3। क्लियर? आप यहाँ पे W लगा लीजिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, W यहाँ पर लगा देता हूँ। तो 4/3 W प्लस ये कितना हो जाएगा, 5W, और गुणे में हो जाएगा x। ठीक, अब ये कैसे सॉल्व होगा, 4W/43 बराबर, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28 हो जाएगा, 28/3 आ जाएगा अभी फ़िलहाल। तो 28/3 W प्लस 5W गुड़े में x तो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4W/43 बराबर। इसको मैं एलसीएम से सॉल्व कर देता हूँ, तो इसके बटे 1 कर लेंगे तो 3 का गुणा इससे हो जाएगा, तो 3×5 = 15 हो जाएगा, और 15 में 28 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 43W/3×x हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद 43 से 43 कट जाएगा, W से,
डब्लू कट जाएगा और ये जो तीन अपॉन में है ये बराबर के उधर भेजेंगे तो गुड़े में चला जाएगा, तो यहाँ पर तीन चौके 12 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई 12। इसका मतलब ये हुआ कि 7 पुरुष और 5 महिला मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेंगे। अभी ये सवाल मैंने आपको बेसिक मेथड समझाया है, अगर आप इसको चाहें तो आप इसे स्मार्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो ये मैंने अभी आपको बेसिक समझाया, अगर आप इस सवाल को स्मार्ट वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, क्लियर। देखिए जब कभी आपको निकालना हो, इसको मैं मिटा देता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ, क्लियर। अगर आप इसे स्मार्ट मेथड से लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, वो तो अभी तो मैंने बेसिक से बताया कि बेसिक से आप 12 दिन निकाल सकते हैं। अगर आप इसे बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो सवाल क्या बोला है कि 3 पुरुष और 4 महिला किसी काम को 43 दिन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 7 पुरुष और 5 महिला उसे कितने दिन में करेंगे, क्लियर। तो जब कभी आपको x का मान निकालना हो तो आप स्मार्ट वे में इसको ऐसे सॉल्व करिएगा, जो भी आपकी ऊपर वाली लाइन है, जो भी आपकी पहली स्टेटमेंट है, आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 4 × 43, ठीक है। 3 × 4 × 43 कर दिया। और जब आप इसके अपॉन में लिखेंगे नंबर को तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि पुरुष का गुणा महिला से करना है और महिला का गुणा पुरुष से करना है, क्लियर। मतलब 3 × 5 से करना होगा और 4 × 7 से करना होगा, तो 3 × 5 3 × 5 यहाँ पर आएगा प्लस 4 × 7 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, 3 × 4 × 43 हो जाएगा और बटे ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा प्लस 7 × 4 = 28 हो जाएगा, तो 15 में 28 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा और 43 से 43 कैंसिल हो जाएगा और 3 × 4 = 12 आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप स्मार्ट वे में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी बिहाव पे हम एक सवाल ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, पुरुष महिला वाला, क्लियर। जैसे ये सवाल बोल रहा है कि यदि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करती हैं, क्लियर। बोल रहा है 6 पुरुष या 12 महिला किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, क्लियर। तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे सॉल्व करना है, बोल रहा है कि 6 पुरुष या 12 महिला किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में करेंगे, ठीक है। x का मान निकालना है तो जो वो पहली वाली लाइन है उसको एज इट इज़ कर देना है, 6 × 12 × 20, क्लियर। और नीचे क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 16 करेंगे तो 6 × 16 आएगा प्लस 12 × 8 करेंगे, इसको गुणा कभी नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिख लेना है, 6 × 12 × 20 और नीचे कितना आ जाएगा, 16 में 6 = 96 और 12 × 8 = 96, ठीक है। तो 96 में 96 जोड़ेंगे तो आएगा 192, क्लियर। इसको 6 से कैंसिल कर देते हैं, 6 से कटेगा, 6 × 3 = 18, 1 बचा 6 × 2 = 12, क्लियर। उसके बाद 4 से काट देते हैं 5 बार में, 4 से कटेगा 8 बार में, क्लियर। उसके बाद ये 4 से फिर से कट जाएगा 3 बार में, 4 से कट जाएगा 2 बार में, तो 5 × 3 = 15/2, इसका मतलब 15/2 ये हो जाएगा 7.5, क्लियर। तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उसे 7.5 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पुरुष और महिला वाला जो केस है उसका या वाला क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, क्लियर। अब हम एंड वाले सवाल को समझेंगे। तो अभी हमने या वाला केस देख लिया है, अब हम एंड वाला केस देख रहे हैं, ठीक है। या वाला क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है,
अब हम देखेंगे कि और वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्लियर? बोल रहा है कि यदि 6 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 10 दिन में पूरा करती हैं। क्लियर? 6 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 10 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिला उसे 2 दिन में पूरा करती हैं, तो बताइए 15 पुरुष और 20 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगी। क्लियर? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व हो गए। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करते हैं। क्लियर? अब चूंकि काम वही है इसलिए हम बराबर का साइन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेम काम कर रहे हैं। और 26 पुरुष तथा 48 महिला उस काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। क्लियर? तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसे मैंने एक इक्वेशन बना के सेट कर लिया। अब आप इसको कैंसिल करके एक समीकरण बना लीजिए। जैसे ये 2 से कट जाएगा इससे 5 बार में, ठीक है, और 5 का गुणा आप यहाँ कर देंगे तो 5 छक्का 30 एम हो जाएगा, प्लस 5 अट्ठे 40 डब्लू हो जाएगा, बराबर 26 एम तो 26 एम ही रहेगा, प्लस 48 डब्लू तो 48 डब्लू ही रहेगा। क्लियर? अब आप एम एम को एक तरफ कर लीजिए और डब्लू डब्लू को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ पर 30 एम है, यहाँ पर 26 एम है, ये 26 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 26 चला गया तो कितना बचा, 4 एम, ठीक है। और यहाँ पर 48 डब्लू है, यहाँ पर 40 डब्लू है, तो 48 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 डब्लू। इस 4 से ये 8 कट गया 2 बार में, तो m का मान कितना आ गया, तो m बराबर आ गया 2 डब्लू, ठीक है। मतलब एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर काम कर रहा है, इसका ये मतलब निकला, ठीक है। अब जैसे हमने m बराबर 2 डब्लू निकाल लिया, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। अब आप इसको चाहे पहले स्टेटमेंट से सॉल्व कर लीजिए तो आपको पहला और तीसरा लेना पड़ेगा, या फिर आप दूसरे और तीसरे से निकाल सकते हैं। तो हम पहले वाले सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाला बोल रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, इसको मैं पहले वाले सॉल्व कर रहा हूँ। तो फिर लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोला है कि 15 पुरुष और 20 महिलाएं, ठीक है, 15 पुरुष और 20 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मान लेता हूँ कि x दिन में पूरा करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर हमने m का मान निकाल लिया है 2 डब्लू, तो जहाँ जहाँ m आएगा वहाँ वहाँ 2 डब्लू रखते जाना है। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखा है 6 और m का मान है 2 डब्लू, तो इसकी जगह मैं 2 डब्लू रखूँगा तो ये हो जाएगा 12 डब्लू प्लस 8 डब्लू गुणे 10। क्लियर? ये 12 डब्लू क्लियर हुआ क्या, कैसे आ गया, एम का मान कितना है 2 डब्लू, तो इसकी जगह मैंने 2 डब्लू रख दिया तो 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 डब्लू रखेंगे तो ये हो जाएगा 30 डब्लू प्लस 20 डब्लू गुड़े एक्स हो जाएगा। क्लियर? इनको आप जोड़ लीजिए तो 12 8 कितना हो गया, 20 डब्लू गुड़े 10 बराबर 30 और 20 50 डब्लू गुड़े एक्स हो जाएगा। क्लियर? W से W कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कट गया 2 बार में और 2 दूनी 4, तो X का मान कितना आ गया, 4। इसका मतलब कि 15 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा 4 दिन। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप ये क्वेश्चन को हमेशा दोनों समीकरण बना करके और आप इफिशियंसी निकाल लीजिएगा। इफिशियंसी निकालने के बाद आप दोनों में से चाहे आप ऊपर वाला ले लीजिए और थर्ड वाला, या फिर आप सेकंड वाला और थर्ड वाला, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, दोनों में से आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं हम, एंड वाला केस है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सवाल बोल रहा है कि यदि 4 पुरुष और 6 महिला किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 4 महिला उसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं,
तो बताइए 8 पुरुष और 12 महिला उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व हो गए। बोल रहा है कि 4 पुरुष और है तो प्लस लगाना पड़ेगा, 6 महिला किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, तथा 6 पुरुष और है तो प्लस आएगा, 4 महिला उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। क्लियर। तो इन दोनों स्टेटमेंट से पहले आपको पुरुष और महिला की इफ़िशेंसी निकालना पड़ेगा। क्लियर। अभी ये 4 से 5 तो कट नहीं रहा है, तो गुणाई करना पड़ेगा, कि हो जाएगा 5 चौके 20 m प्लस 5 छक्का 30 w बराबर 4 छंग 24 m प्लस 4 चौके 16 w। क्लियर। तो mm नंबर को एक साइड करना है, w के एक साइड करना है, तो 24 m में से 20 m चला गया, तो कितना बचेगा, 4 m बचेगा, और 30 w में से 16 w चला जाएगा, तो 14 w बचेगा। क्लियर। तो m का मान कितना आ जाएगा, 2 से काट देता हूँ, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 7 बार, तो m बराबर आ जाएगा 7/2 w। क्लियर। तो जहाँ पर m आएगा उसकी जगह हमको 7/2 w रखना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, हमने 1 m की वैल्यू निकाल ली, एक आदमी जो है वो 7/2 w के बराबर काम करता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि बताइए 8 पुरुष और 12 महिला उसे कितने दिन में करेंगे। तो हम ऊपर वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर वाला ही ले लेते हैं। बोल रहा है कि 4 आदमी और 6 महिला किसी काम को 5 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर बताना है कि 8 पुरुष और 12 महिला, 8 पुरुष और 12 महिला उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मान लेता हूँ कि x दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × m का मान कितना है, 7/2 w प्लस ये हो जाएगा 6 w और गुणे में 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर रखना पड़ेगा, 8 तो 8 ही रहेगा, इसकी जगह रख सकता हूँ 7/2 w प्लस ये 12 w, तो 12 w ही रहेगा, गुणे x हो जाएगा। क्लियर। तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 7 × 2 = 14, यहाँ पर 14 w आया और 6 w पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 w हो जाएगा, गुणे में 5 बराबर, ये 2 से कटा 4 बार में, तो 4 × 7 = 28 w हो गया, और 28 और 12 कितना हो गया, 40 w, और गुणे में हो गया x। क्लियर। w से w कैंसिल हो गया, 20 से काट देता हूँ, 20 से कट गया 2 बार में, 20 × 2 = 40, और ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 5/2 बन जाएगा। क्लियर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, या इसको मैं कह सकता हूँ 2 सही 1/2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो जो एंड वाले सवाल हैं, इनको आप बहुत आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, एंड वाला एक और सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि यदि 4 पुरुष और 6 महिला किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, 4 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसे 10 दिन में पूरा करती हैं। क्लियर। तो इन दो स्टेटमेंट से पहले आपको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप लास्ट वाले स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो जो कट रहा हो उसको काट भी लेते हैं, जैसे ये कट जाएगा 2 से 4 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, नहीं काटेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर वो लास्ट में कटेगा। फिर दिया जाएगा 4 चौके 16 m प्लस 4 छंग 24 w बराबर 5 तिहाई 15 m प्लस 5 सते 35 w। ठीक है, तो 16 m में से 15 m चला गया, तो केवल m बचा, 1 m बचा, तो उसको केवल m लिखेंगे, और 35 में से 24 चला गया, तो कितना बचेगा, 11। तो m का मान कितना आ गया, 11 w।
इसका मतलब एक आदमी 11 महिलाओं के बराबर काम कर सकता है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 4 पुरुष और 6 महिला किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 4 पुरुष और 6 महिला किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, क्लियर। फिर बोल रहा है 3 पुरुष और 7 महिला, नहीं इसको लास्ट वाले करना पड़ेगा। तो इसमें केवल महिला बस पूछा है, ध्यान दीजिएगा ना, इसमें पुरुष नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ महिला पूछा है कि 10 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगी, तो 10 महिला उसे एक्स दिन में पूरा करेंगी, ठीक है। पुरुष बोला ही नहीं तो उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये हो जाएगा 4 तो 4 ही रहेगा, एम का मान कितना आ जाएगा 11W, तो ये हो जाएगा 11W प्लस ये हो जाएगा 6W गुणे 8 बराबर 10W गुणे में एक्स आ जाएगा। तो ये 11 चौके 44 हो जाएगा और 44 6 50 हो जाएगा, तो 50W गुणे 8 बराबर 10W गुणे में एक्स। 0 से 0 कट गया और W से W कट गया और 5 8 40, एक्स का मान कितना आ गया 40। इसका मतलब ये हुआ कि 10 महिलाएं अकेले उसे 40 दिन में पूरा कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। तो इस अभी हमने और वाले केस या फिर अथवा वाले केस सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।